हेलो गाइस, वेलकम टू सर्किट इफेक्ट। तो आज का जो हमारा वीडियो होम थिएटर रिपेयरिंग का, और आज हमारे पास जो है फोन कंपनी का होम थिएटर है। इस होम थिएटर में पावर नहीं आ रही, लाइन नहीं आ रही, या किसी कारण बस चल नहीं रहा। तो चलिए आज इस होम थिएटर में क्या प्रॉब्लम है आपको दिखाते हैं। और इस होम थिएटर में फ्रेंड SMPS पावर सप्लाई है। लगभग किसी और होम थिएटर में ट्रांसफार्मर का भी पावर ट्रांसफार्मर भी लगा होता है तो ट्रांसफार्मर चेंज करके प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन SMPS पावर सप्लाई में प्रॉब्लम सॉल्व करना थोड़ा सा कठिन होता है। ये हमारे पास पावर सप्लाई इसके अंदर लगा हुआ था जो कि ख़राब हो चुका है। तो इस पावर सप्लाई को इजीली कैसे सॉल्व करेंगे, बहुत ही आसान तरीके से, बहुत ही कम कॉस्ट में और बहुत ही कम मुश्किलों के साथ इस वीडियो में आपको कम्प्लीट बताऊँगा। तो पहले आपको डायग्राम को समझना होगा, उसके बाद ही हम इस चीज़ को कर पाएंगे। यहाँ पर जितने भी सारे चीज़ हमारा जली हुई थी, सारी चीज़ को रिमूव कर देना है, और यहाँ पर जो भी ट्रांजिस्टर लगा हुआ है वो रिमूव कर देना है। जैसे कि मैं आपको करके दिखाता हूँ, हम यहाँ पर 5 वोल्ट से लेकर 24 वोल्ट का ये मॉड्यूल को यूज करेंगे जो कि LED TV रिपेयरिंग में यूज किया जाता है। ये आपको मॉड्यूल आपको LED TV रिपेयरिंग शॉप या LED TV का जहाँ पास्ट मिलता है वहाँ पर मिल जाएगा फ्रेंड। तो चलिए फ्रेंड पहले सर्किट डायग्राम को समझ लेते हैं। तो आपका जो होम थिएटर में कुछ इस तरीके से डिज़ाइन रहती है पावर सप्लाई का, सिंपल सा मैं डिज़ाइन बनाया हूँ जिसको आज मैं डायग्राम समझाऊंगा। अगर इस डायग्राम को अगर आप समझ लेंगे तो इजीली इस वाली प्रॉब्लम को, पावर सप्लाई प्रॉब्लम को इजीली आप सॉल्व कर पाएंगे। बहुत कोई है कि सॉल्व नहीं कर पा रहा, इसलिए मैं इस वीडियो को थोड़ा सा और ही अच्छे तरीके से बनाने का कोशिश किया हूँ। यहाँ पर फ्रेंड एक फ्यूज रहता है या कोई NTC कुछ करके एक तो PF रहता है जो कि बहुत ही अच्छा प्रोटेक्शन के लिए यहाँ पर लगाया जाता है। सीरीज में और पैरेलल में भी लगाया जाता है जो कि प्रोटेक्शन यहाँ पर शॉर्ट होके आपका आगे का फ्यूज यूज कटिंग कर देता है, और एक छोटा मोटा कोयल लगाया जाता है। तो उस कोयल को आप ध्यान ना दें, ताकि हम लोग को उस कोयल वैसा कोयल मेरे को मिलेगा नहीं, लेकिन PF और NTC जो भी है वो सारी चीज़ मिल जाएगा। तो हो सकता है आप लगाना चाहे तो लगा सकते, नहीं लगाना चाहे नहीं लगा सकते, कोई दिक्कत नहीं है ज़्यादा उसमें। लेकिन उसको बाईपास करके आपको इस जगह पे, यहाँ पे और यहाँ पे AC वोल्टेज देना है डायोड में ब्रिज रेक्टिफायर के पास। उसके बाद यहाँ से आपको वोल्टेज जो है सीधा वोल्टेज आपको यहाँ पे एक बड़ा वाली कैपेसिटर में 450 वोल्ट का जो लगी रहेगी उस जगह में आपको 300 वोल्ट आपको मिलना चाहिए। इस चीज़ को आप चेक कर लीजिएगा, तो आपका 300 वोल्ट आ जाएगा यहाँ पे। तो उसके बाद 300 वोल्ट आपका ठीक है यहाँ पे आ गया। उसके बाद ये IC और ये ट्रांजिस्टर ख़राब हो जाता है कभी काल, जिसके कारण हमारा जो पावर सप्लाई और आगे काम नहीं करता है। अब होता है क्या फ्रेंड, इसके कारण ख़राब होता है या यहाँ पे ओवरलोड होम थिएटर में कुछ प्रॉब्लम होने के कारण ये शॉर्ट हो जाता है, ये शॉर्ट हो जाता है, उसके बाद ये सारा चीज़ ख़राब हो जाता है। कभी कभी ऐसा भी होता है, हो सकता है कि आपके साथ ऐसा ना हो कि इस सेक्शन को प्रॉब्लम आए और ये ख़राब हो। तो हो सकता है कभी ये IC उड़ गया, कभी ये ट्रांजिस्टर उड़ गया, तो ऐसा प्रॉब्लम हो ही जाता है लगभग होम थिएटर में फ्रेंड। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमने बहुत सारा कोशिश किया। यहाँ पे जो भी IC है, ये भी है, सारा चीज़ लगा कर देख लेंगे, मार्केट में बहुत ही लगा कर देख लेंगे, बहुत सारी चीज़ को लगा कर देख लेंगे, आपका जो खर्चा बहुत ही ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यहाँ पर ये 5 वोल्ट से लेकर 24 वोल्ट का मॉड्यूल है, इसको मात्र खरीदना है। इससे भी कम प्राइस मान के चलिए, इसका 80 रुपये लेता है तो 100-110 रुपये के अंदर मिल जाता है, और इसमें 150 रुपये खर्चा होता है और नहीं बने और फिर भी पैसा बर्बाद हो जाए तो अच्छा नहीं लगता है। तो मैं इस चीज़ को प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यहाँ पे ये मॉड्यूल लाया जो कि 110 रुपये 100 रुपये के आसपास आपको मिल जाएगा मार्केट में। तो इस मॉड्यूल में जो रहती है कनेक्शन वो मैं बता देता हूँ। तो इस मॉड्यूल में प्लस और नेगेटिव रहता है, तो यहाँ पर नेगेटिव वाली पॉइंट को इस वाली ब्रिज रेक्टिफायर का नेगेटिव पॉइंट या था कैपेसिटर का नेगेटिव पॉइंट में जोड़ देंगे। उसके बाद जो पॉजिटिव पॉइंट निकलेगा रेड वाली लाइन, वो इस ट्रांजिस्टर का ट्रांसफार्मर से जुड़ा होगा, एक तो इसके साथ जुड़ा है पॉजिटिव लाइन, और ये वाले जो पॉजिटिव है इसके साथ यहाँ पर जोड़ देंगे। जोड़ने के बाद ये जो है सक्सेस यहाँ पर हो जाएगा, लेकिन अभी एक्टिव नहीं हुआ फ्रेंड। एक्टिव होने के लिए यहाँ पर एक ब्लू वायर और ये येलो वायर दोनों को यहाँ पे जोड़ना पड़ेगा। हो सकता है कि आपका जो पावर सप्लाई है उसमें एक कैपेसिटर लगा हो, या ब्रिज डबल पावर सप्लाई हो, या एक सिंगल पावर सप्लाई, तो ये 12012 है तो कोई दिक्कत नहीं है, सिंगल भी है तो कोई दिक्कत नहीं है। आपको नेगेटिव पॉइंट को ढूंढना है, नेगेटिव पॉइंट पर ये ब्लू वाले वायर को जोड़ना है। उसके बाद देखिए फ्रेंड यहाँ पर ये नेगेटिव है,
लेकिन इसका नेगेटिव नहीं जोड़ना है, ट्रांसफार्मर का दोनों का नेगेटिव में जोड़ना है, ये वाली पावर सप्लाई में। सिंगल पावर सप्लाई है तो आप इसका नेगेटिव में जोड़ देंगे और उसके बाद ये पॉजिटिव में जोड़ देंगे, डायोड का ये वाला निशान, इस निशान को ध्यान रखेंगे जहाँ से पॉजिटिव निकल दिए, तो इस पॉजिटिव में जोड़ दिया, यहाँ से जनरेट हुआ, इस कोयल को जनरेट किया, ये कोयल जनरेट हुआ तो ये दोनों को भी जनरेट कर दिया और ये दोनों में बराबर वोल्टेज आ जाएगा और आपका होम थिएटर जो है काम करने लगेगा। तो ये है इसका सर्किट डायग्राम के अनुसार वर्किंग फंक्शन। इस मॉड्यूल में आपको क्या करना है, एक प्रीसेट है, इस प्रीसेट को कम बेसे ज़्यादा करके अब यहाँ पे 12 वोल्ट 13 वोल्ट जितना चाहिए आपको होम थिएटर के लिए जितना रहेगा उतना आप यहाँ पे वोल्टेज क्रिएट कर लेंगे और होम थिएटर को इजी में आप इसको बहुत ही आसानी तरीके से बना पाएंगे। हमने बहुत सारा होम थिएटर में लगा के दिया हूँ, अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं आया, आप भी इसको कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड रियल प्रैक्टिकल करके आपको दिखाते हैं। तो फ्रेंड आपने सर्किट डायग्राम को समझ लिए होंगे, तो चलिए सर्किट डायग्राम के अनुसार यहाँ पे करने का कोशिश करूँगा। तो पहले यहाँ पे जो भी पार्ट्स लगे हुए सारे चीज़ को रिमूव कर देना, जो भी ट्रांजिस्टर आपका यहाँ पे उड़ा हुआ है वो सारे चीज़ को रिमूव कर देना। होता क्या है फ्रेंड, हम लोग जो भी ट्रांजिस्टर लगा हुआ है इसको रियली खरीद के लगाना चाहते हैं तो यहाँ पे काम नहीं कर पाता है, तो इसीलिए यहाँ पे मॉड्यूल का उपयोग किया जा रहा है ताकि मॉड्यूल में कोई दिक्कत ना हो और आपका पावर सप्लाई इजीली बन जाए। तो हम भी यहाँ पे वही करेंगे जो हमने आज तक करते आया हूँ, इस सारे चीज़ को रिमूव कर देना और बहुत ही कम कॉस्ट में इसको बनाने का कोशिश करूँगा फ्रेंड। तो चलिए हमारे पास यहाँ पे 5 वोल्ट से लेकर 24 वोल्ट का मॉड्यूल है, ये मॉड्यूल का आपको मार्केट में मिल जाएगा। एक कैपेसिटर का नेगेटिव पॉइंट में आपको ब्लैक वाली वायर को जोड़ना है। तो चलिए मैं आपको दिखाते हैं इसकी, यहाँ से पावर सप्लाई यहाँ पे कोयल लगा हुआ है, यहाँ से बाईपास कोयल के थ्रू यहाँ पे 300 वोल्ट आपको आना चाहिए। अगर नहीं आ रहा है तो आपको यहाँ पर शॉर्टेज करके ब्रिज रेक्टिफायर को भी ठीक करके आप यहाँ पे 300 वोल्ट ला सकते हैं। इसका वीडियो हमारे चैनल पर 2-3 होम थिएटर का वीडियो अपलोड किया हुआ है, उस चीज़ को देख लीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए हमारा 350 वोल्ट इस कैपेसिटर में आना ही चाहिए आपको, 350 वोल्ट हमारा आ रहा। अब मैं यहाँ पे कनेक्शन करूँगा जो कि इजीली आप कनेक्शन कर पाएंगे। तो चलिए फ्रेंड यहाँ पे कनेक्शन करते हैं, नेगेटिव को नेगेटिव पॉइंट में जोड़ते हैं। चलिए फ्रेंड मैंने नेगेटिव पॉइंट में जोड़ लिया हूँ और पॉजिटिव को जो इस ट्रांजिस्टर का जो पिन होगा उस पिन में जोड़ेंगे या ट्रांसफार्मर के पिन में होते हुए जोड़ेंगे। तो इजीली आप ज़्यादा कुछ ना करें, इस ट्रांजिस्टर वाला पिन में जोड़ें, किसी का आईसी के थ्रू गया हो तो आईसी वाला पिन में जोड़ेंगे। तो चलिए हमारा ये कंप्लीट हो गया। अब ब्लू वायर को सेकंड साइड का नेगेटिव पॉइंट में जोड़ेंगे जो कि कैपेसिटर का या ट्रांसफार्मर का बीच वाली वायर होता है, या सिंगल पावर सप्लाई है तो नेगेटिव पॉइंट में। तो चलिए नेगेटिव पॉइंट में जोड़ लेते हैं। तो फ्रेंड हमारा नेगेटिव पॉइंट में जुड़ गया है थोड़ा सा ध्यान रखते हुए। और चलिए यहाँ पे इस साइड का, इधर का तो नेगेटिव है तो इधर में नहीं जुड़ेगा, सेकंड साइड का पॉजिटिव में जुड़ेगा फ्रेंड ताकि आपका काम करे। तो सेकंड साइड का हमारा ये इधर का पॉजिटिव है तो इस पॉजिटिव वाली पॉइंट में जोड़ेंगे। तो चलिए पॉजिटिव वाले साइड पर कनेक्शन कर लेते हैं। तो ध्यान से ही देख रहे होंगे आप वीडियो और क्लियर होगा कि आप इसको कर पाएंगे और समझ में आ गया होगा। कनेक्शन बहुत ही मस्त। तो चलिए हमारा यहाँ पे पूरी तरीके से कनेक्शन हो चुका है। अब चलिए यहाँ पे वोल्टेज को चेक करेंगे। तो फ्रेंड यहाँ पे वोल्टेज चेक कर रहे हैं तो वोल्टेज हमारे आ ही नहीं रहा आउटपुट में। तो यहाँ पर देखिए दो डायोड है ना फ्रेंड, ये दो डायोड में एक डायोड शॉर्ट हो गया है, देखिए यहाँ पर शॉर्टेज बता रहा है जिसके कारण से हमारा नहीं आ रहा है। इधर का डायोड हमारा ठीक है तो इस डायोड को भी ध्यान में रखेंगे शॉर्ट ना हो जिसके कारण से आपका पावर सप्लाई चालू ना हो। तो चलिए फ्रेंड हमारा जो है इधर का सही है, इस तरफ का पार्ट्स हमारा जो है सही बता रहा है और चेक कर लेंगे मल्टीमीटर से डायोड को। इधर का देखिए फ्रेंड
सही बता रहा, उधर का फ्रेंड हमारा शॉर्ट है, पूरा पूरी जीरो हो जा रहा है, तो जीरो नहीं होना चाहिए आपके लिए, 200-300 का लगभग आना चाहिए। शॉर्ट की डायवर्ड का 200 से 150 का आसपास आता है फ्रेंड, ये हमारा शॉर्ट की डायवर्ड है। तो शॉर्ट की डायवर्ड कोई भी आप इसमें लगा सकते हैं, सेम नंबर का आप मार्केट से खरीद के लगा सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर चेक करते हैं, हमारा एक ही डायवर्ड शॉर्ट था जो कि ये डायवर्ड हमारा है, तो आपके साथ भी शॉर्ट हो सकता है। तो यही डायवर्ड हमारा है जो कि शॉर्ट था, इसको रिमूव कर दिया, उसके बाद चालू करके आपको दिखाते हैं। और ये देखिए हमारा वोल्टेज आना स्टार्ट हो गया है, चलिए एक्यूरेट वोल्टेज आ रहा है। यहाँ पे 14 से 15 वोल्ट के आसपास सेट करेंगे जो कि एक होम थिएटर के लिए ज़रूरी होता है। सभी होम थिएटर में अलग अलग रेटिंग होता है फ्रेंड, अपने अनुसार समझ के कीजिएगा, किसी में 12 वोल्ट चाहिए, किसी में 9 वोल्ट चाहिए, किसी में 15 वोल्ट चाहिए। तो यहाँ पर मैं इस मॉडल का जो प्रीसेट को घुमाएंगे और वोल्टेज को अप करेंगे और आपको अप करके आपको दिखा रहे कितना वोल्टेज मैंने यहाँ पे सेट किया हूँ इस होम थिएटर के लिए। तो तीन चार जो भी वीडियो बना हुआ सब में आपको पता चल जाएगा कि इस होम थिएटर में कितना वोल्टेज सेट करना है, मैंने सेट करके दिखाया हूँ। तो उस वीडियो को भी आप देख लीजिएगा, मेरे चैनल में बना हुआ है इसी से रिलेटेड। तो चलिए 14 वोल्ट के आसपास मैंने सेट किया हूँ, और चलिए हम थिएटर में लगाते हैं और सेट करके आपको दिखाते हैं साउंड टेस्ट करके कि आता है कि नहीं। तो चलिए फ्रेंड हमारा कंप्लीट हो गया और आपको साउंड टेस्ट करके दिखा रहे हैं। अब चलिए फ्रेंड यहाँ पे वोल्टेज चेक करके दिखाता हूँ, लोडनेस में वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है कि नहीं। देखिए फ्रेंड वोल्टेज एक थोड़ा सा भी ड्रॉपनेस यहाँ पे देखने को नहीं मिला है। तो चलिए फ्रेंड इसको पूरा कंप्लीट करके लगा लेते हैं और आपको तो टेस्टिंग तो दिखी गया, लास्ट में टेस्ट करके आपको दिखाई देंगे। और फ्रेंड ये वीडियो कैसा लगा लाइक एंड कमेंट, और जो चैनल पर न्यू है फ्रेंड प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आप देख पाएंगे। तो चलिए फ्रेंड तब तक के लिए बाय, फिर से नया वीडियो और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ में फिर से मिलते हैं।